हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न इट क्लिक चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 1 अगस्त 2017 है और आज के करंट अफेयर में लेकर आ गया हूँ जो कि द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स आउटलुक्स, वो भी ऐसे। फ्रेंड, जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको डेली रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट न्यूज है, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जो कि हमें यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने जियो पार्ट्स पब्लिसिटी फेज टू लॉन्च किया है मुंबई में। और जो फेज वन था वो 2013 में लॉन्च हुआ था। देखिए, जियो पार्सी पब्लिसिटी फेज जो होता है, जो पारसी कम्युनिटी होते हैं हमारे इंडिया में, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में काउंट होते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो चुकी है, तो उनके पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए और उनकी उनके पॉपुलेशन को में इंक्रीमेंट हो, इसलिए एक कैंपेन चला जा रहा है, ये स्कीम उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए चलाया जाए, जियो पारसी। ओके, तो जो हमारे मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर मिनिस्ट्री अफेयर्स इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मुख्तार अब्बास नकवी ने, उन्होंने जी यहाँ से क्वेश्चन दो बन सकता है, जियो पारसी पब्लिसिटी फेज वन कब स्टार्ट किया गया था, वो 2013 में किया, टू इस साल 2017 में किया गया है, वो जो फेज टू है वो मुंबई में लॉन्च किया गया है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स कौन है, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 लॉन्च टू एक्सेस सैनिटेशन इन ऑल 4041 सिटीज में ये सैनिटेशन सर्वे होगा 2018 के लिए। उसके लिए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री नरेंद्र सिंह थोमर जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, जिस जो कि इंडिया में जितने भी 4041 सिटीज हैं उसमें ये अपना रिजल्ट एनालिसिस करेंगे सैनिटेशन के ऊपर, और 2018 में रिपोर्ट लाएंगे। और 2017 की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो जो इंदौर सिटी है मध्य प्रदेश में, वो टॉप पर रहा, और मध्य प्रदेश से जो कैपिटल भोपाल है वो सेकंड पोजीशन पर रहा है। ओके, राजस्व ज्ञान संगम शेड्यूल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। राजस्व ज्ञान संगम जो कि 1 और 2 सितंबर को होगा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, और 1 सितंबर को इस कॉन्क्लेव का इनोग्रेट करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है और मेनली इस पर GST एंड ब्लैक मनी के ऊपर ये कॉन्क्लेव रखा गया है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज द यूरोपवेग ओपन इन स्विट्जरलैंड। ये जो एक सस्पेंशन ब्रिज है जो 2 पहाड़ों के बीच में बनाया गया है स्विट्जरलैंड के रोंडा सिटी में फ्रेंड, और जिसकी लेंथ 162 फीट है, और 1620 फीट यानी 493 मीटर के आसपास ये इस ब्रिज की लंबाई है, और इसकी 278 फीट है यानी 83 मीटर के आसपास इसकी हाइट, ये हाइट पर बनाया गया जो कि ग्रेबेनकोफ रैवैंग के ऊपर ये बनाया गया है। ओके, जो जर्मन टूरिस्ट बोर्ड है उन्होंने बोला कि ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जो कि 85 मीटर एबव है ग्रैवेन गफर रैवाइन के ऊपर। देखिए, रैवाइन होता है एक घाट खाई को बोलते हैं, उसके ऊपर है। और देखिए, सेम ऐसा ही ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में बना गया है जिसकी हाइट लगभग 110 मीटर है, बट वो लेंथ के मामले में इससे थोड़ा सा पीछे है, 405 मीटर है। और ये यूरोपबेग जो ब्रिज बनाए में इसको नाम दिया है, यूरोप ब्रिज नाम दिया गया, इसकी लेंथ जो है 493 मीटर है। ओके फ्रेंड, जो नेमुरा एक जापानीज फर्म है उसने जून क्वार्टर के लिए GDP ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है जो कि 6.6% है इंडिया में, और ये फर्स्ट क्वार्टर कंपेरेटिवली ज़्यादा है। फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 6.1%, और ये अप्रैल टू जून जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 6.6 प्रेडिक्ट किया है। और वो बात करें तो सेकेंड हाफ 2017 के लिए उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि ग्रोथ रेट जो है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट वो 7.4% हो जाएगा। ओके, RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर KYC नॉर्म्स नहीं फॉलो करने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेनाल्टी दिया है। ओके, तो ये पेनाल्टी RBI ने 31 जुलाई को लगाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, और से एक और पेनाल्टी वो लगभग 26 जुलाई को भी लगा चुके हैं RBI ने फ्रॉड इन बैंक के टर्म में 1 करोड़ रुपीज का यूनियन बैंक के ऊपर। तो ऐसे यूनियन बैंक को अभी तक पिछले 5 दिनों में लगभग 4 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लग चुकी है और KYC नॉर्म्स नहीं फॉलो करने के लिए और फ्रॉड
इन बैंक टर्म में। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ जो है राजकिरण राय जी, और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट पर जो मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को 0.5% से कट किया है। पहले सेविंग बैंक पर 4% इंटरेस्ट रेट मिलते थे, बट अब सेविंग बैंक पर 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। ये इंटरेस्ट रेट उन सभी अकाउंट होल्डर को मिलेंगे जिनके अकाउंट पे 1 करोड़ रुपए से कम अमाउंट है। देखिए ये जो सेविंग बैंक पे जो भी इंटरेस्ट रेट मिलते हैं ये पर एनम मिलते हैं, तो अब 3.5% पर एनम मिलेंगे इंटरेस्ट रेट। और जो भी अकाउंट होल्डर जिनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से एबव बैलेंस है वो 4% इंटरेस्ट रेट उनको मिलते रहेंगे। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 3% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 4% पर एनम एज यूजल मिलेगा इंटरेस्ट रेट। ओके, फर्स्ट टाइम इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर कंट्री इन स्टील। देखिए नेट एक्सपोर्टर का मतलब ये होता है जितना अगर आप इम्पोर्ट करते हैं स्टील उतना ही आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये अब इंडिया, देखिए इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में इंडिया नेट एक्सपोर्टर कंट्री हो गया था, अब स्टील के फील्ड में हो गया है। तो ये इसलिए हुआ है कि लास्ट ईयर कंपेटिवली लास्ट ईयर इंडिया का इम्पोर्ट जो है 39% से डिक्रीज हुआ था और एक्सपोर्ट 102% से इंक्रीमेंट हुआ था। इस संदर्भ में इंडिया अब नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर कंट्री इन स्टील बन गया फ्रेंड। ओके, तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस चीज़ की कंफर्मेशन दी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है कि हाँ इंडिया नेट अभी रिसेंट में कौन सी कंट्री है जो नेट एक्सपोर्टर कंट्री इन स्टील बन गया है, तो वो इंडिया है। इंडिया की रैंक क्या है स्टील प्रोडक्शन में, तो सेकेंड रैंक पर इंडिया है, फर्स्ट पर चाइना है और थर्ड पर जापान है। वहीं अगर बात करूँ तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन है, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह है। वर्ल्ड बैंक एश्योर न्यूट्रलिटी इन इंडो पाक टॉक ओवर इंडस वाटर ट्री। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर अपने न्यूट्रल रोल अप्लाई किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक में अप्रोच किया था कि जो दो जो इंडस रिवर थ्रू जो पानी आता है जम्मू कश्मीर के थ्रू जो पाकिस्तान में, तो इंडस रिवर पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जा रहा है इंडिया तरफ से। तो उससे संदर्भ में पाकिस्तान जो है अपील किया था वर्ल्ड बैंक में कि इस पर अपनी रोक लगाए, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान खुद मिलकर इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालें। ओके, एक बार मैं आपको बता दूं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देखिए ये ट्रीटी जो है 1996 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान के द्वारा साइन किया गया था, जिसमें यह बोला गया था कि इंडिया जो ईस्टर्न रिवर है जैसे ब्यास रावी एंड सतलज, उसका पानी इंडिया को मिलेगा, वहीं पर जो वेस्टर्न रिवर की कंट्रोल पाकिस्तान को गया है जिसमें इंडस चेनाब एंड झेलम। ओके, साइंस स्कूपिंग आउट वाइल ऑयल स्पिल मेड इजी बाय IISER। जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट डेवलप किया है जो कि ऑयल एंड कॉन्जिलन को बॉडी में या फिर चिपकने से रोकेगा फ्रेंड। ओके, ये जो टीम था इसको हेड कर रहे थे प्रोफेसर कणा एम सुरेशम, जो कि स्कूल ऑफ केमिस्ट्री जो कि IISER में के प्रोफेसर हैं, उन्होंने डेवलप किया है यह हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट जो कि एक चीप रॉ मटेरियल मैनिट्रोल एंड सेलुलोज पल्प के उसी ये मैट्रिक्स बनाया गया है। ओके, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च के, उन्होंने ये हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट डिस्कवर किया है। साइंटिस्ट डेवलप बायो ग्लू फॉर वाउंड हेलिंग। देखिए जो भी कट जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं बॉडी में वाउंड हो जाते हैं, उसके लिए एक बायो ग्लू डेवलप किया है साइंटिस्ट ने जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है और बिना किसी हार्म से, मैंने इससे कोई भी बॉडी पर लॉस नहीं होगा और ये इको फ्रेंडली है ग्लू जिस, और इससे बाउंड जो भी आपके ऊपर जख्म है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, उनको हटाया जा सकता है। इसको डेवलप किया है इरोडाइट रिसर्चर हैं जो कि विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग एंड जो हार्वर्ड जॉन है, एक हार्वर्ड जॉन ए पॉल्सन जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस के ये रिसर्चर हैं, इन्होंने इस एडेसिव को
डेवलप किया है फ्रेंड। इसको 2 सप्ताह तक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और वहाँ पे इसको सक्सेसफुल पाया गया, और इसको जो पिग होते हैं उनके हर्ट के ऊपर भी इसको अप्लाई किया गया, वहाँ भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। ये बायो ग्लो बॉन्ड है जो कि इको फ्रेंडली बॉन्ड है फ्रेंड, ग्लो है। टाइफून हैडंग स्ट्राइक चाइना, 2 लाख पीपल इवैक्यूएटेड। चाइना में टाइफून आया हुआ है क्योंकि वहाँ पर रैन जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा हुई है लगभग, और बारिश के साथ तूफान भी बहुत तेज रही है। उसका नाम दिया है टाइफून नेसेट, और यहाँ की जो स्पीड थी लगभग 18 मीटर पर सेकेंड, और ये लगभग सुबह 6 बजे आए हुए हैं 30 जुलाई को। और टाइफून की वजह से यहाँ चाइना के ईस्टर्न फुजियान प्रोविंस से लगभग 2 लाख पीपल को हटा लिया गया है उस एरिया से। तो इसमें बस याद रखने वाली चीज़ है, टाइफून अभी कहाँ पर है, तो चाइना के ईस्टर्न फुजियान प्रोविंस में आया है और वहाँ से लगभग 2 लाख पीपल को हटा लिया गया है। इंडिया के सटलर्स सी राहुल यादव और मेन्स डबल के प्लेयर मनु अटारी एंड बी सुमित रेड्डी ने लैगोस इंटरनेशनल चैलेंज में मेन्स सिंगल एंड मेन्स डबल टाइटल जीत लिया है। देखिए लैगोस इंटरनेशनल चैलेंज जो है नाइजीरिया में हुआ है, और सी राहुल यादव जो मेन्स सिंगल जीता है, और मनु अटारी बी सुमित रेडी इन दोनों पेयर है, और ये दोनों ने मेंस डबल टाइटल जीता है। ओके देखिए राहुल यादव जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है अभी जस्ट रिसेंट में, रशियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स हुआ वहाँ पर। अगर वुमेन्स की बात करो तो इंडिया की जो है मुग्धो एग्रे, उन्होंने सेकंड रनर अप में थर्ड पोजिशन पाया है श्रीलंका के जो मुग्धो एग्रे हैं वो फाइनल में श्रीलंका के थिलिन प्रामोदिका से हार गई, और जिससे वो रनर अप रही। इंडिया बैग्स 24 मेडल्स है जॉर्डन ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट। इंडिया ने जॉर्डन ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में 24 मेडल जीत लिया है, जिसमें से 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है अमन, जो कि जॉर्डन की कैपिटल है, जॉर्डन की करेंसी जो है जॉर्डियन डिनार है, और वहाँ किंग अब्दुल्ला सेकेंड है। सेबेस्टियन बेटल विंस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, सेबेस्टियन बेटल ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, और वो इस सीजन में 4थी इनकी ग्रैंड प्रिक्स है, और कैरियर की 46th है। ये टॉप 5 की मैं बात करूँ तो नंबर 1 पर सेबेस्टियन बेटल है जो कि फरारी की तरफ से हैं, किमी रेकोनन भी फरारी की तरफ से हैं, वाल्टरी बोटास मर्सिडीज की तरफ से हैं, और लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज की तरफ से, और मैक्स वर्स्टपेन जो है रेडबुल की तरफ से हैं। स्नो डाउन हैरिसन फॉर 4th ATP अटलांटा टाइटल। जॉन एस जो कि यूएस के प्लेयर हैं, उन्होंने 4th ATP अटलांटा टाइटल जीता है, और वो 30 जुलाई को इस टाइटल को जीते हैं। इन्होंने रियान हैरिसन को हराया। जी ATP अटलांटा टाइटल जो इसके स्टार्ट हुआ 2010 से यूनाइटेड स्टेट में, और ये लगभग हर साल जुलाई और अगस्त मंथ में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके थैंक्स, हैव अ नाइस डे।